दोस्तों हम लोग आपका जो है चैप्टर थर्ड का जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 3.1 के पहले है, यानी कोणों के जो मात्रक डिग्री और रेडियन में संबंध पे आधारित है। तो एग्जाम्पल वन आपका है, क्वेश्चन लिखा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो हम लोग जानते हैं इसका सोलूशन क्या होगा कि 180 डिग्री जो हमारा होता है वो क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 180 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। यानी 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 40 डिग्री 20 मिनट है, तो 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग जो है पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब है 20 मिनट को भी डिग्री में बदल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री, या हम लोग कहें कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो ये हमारा 40 डिग्री प्लस हमारा क्या है, 20 मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। मिनट को बदलेंगे तो 1/60 से गुणा करेंगे, तो 20 × 1/60, क्योंकि 1 मिनट को अगर जो है डिग्री में बदलना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना मिनट। तो ये हो गया 40 डिग्री और प्लस 1/3 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया, 40 सही 1/3 डिग्री। अब हम इसको बदलेंगे, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, तो 40 सही 1/3 डिग्री बराबर, हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, 40 सही 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 गुणे 40 सही 1/3, मतलब 4 × 3 = 120, 121/3 रेडियन, ये हमारा हो जाएगा 121/540 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपली हम लोग केवल इसमें एक पॉइंट याद रखते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसी से हम लोग डिग्री और रेडियन को आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था 40 डिग्री 20 मिनट, तो हम लोग पहले 40 डिग्री तो पूरा पूरा है, 20 मिनट है, तो 20 मिनट को भी डिग्री में बदलेंगे, फिर ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर क्या हो गया, 1/60 से गुणा कर दिए। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल आपकी बुक का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 रेडियन को जो है डिग्री माप में बदलना है। तो अगर पाई रेडियन हम लोग जानते हैं, पाई रेडियन हमारा होता है, पाई रेडियन अगर हो तो 180 डिग्री, तो 1 रेडियन हमारा क्या होगा, दोनों साइड में जो है पाई से मतलब डिवाइड कर दें, तो 180/π डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, तो 6 रेडियन बराबर 6 से दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 रेडियन बराबर 180/π × 6 डिग्री, और पाई की वैल्यू अगर हम लोग 22/7 लिख लें तो × 6 डिग्री, तो 180 × 7 × 6, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, 22 इतना डिग्री, तो ये हो जाएगा जो है 7 × 0 = 7, 8 = 56, 6 हाँ सर 5, 7 × 7 = 5, 12 × 6/22 डिग्री। 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 0 = 36, 3 × 6 = 12, 3 = 15 से ले 22 डिग्री, यानी हमारा 6 रेडियन बराबर ये आ गया इतना डिग्री। अब इसको और अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 7560 को जो है भाग दे देते हैं हम लोग किससे, 22 से, तो ये कितनी बार, 22 चौक क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 22 × 3 = 66, यहाँ से 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 = 9, और ये 6 आ गया, ये खत्म हो गया, 22 चौक 88, 88 16 में से 8 = 8, ये 0 हो गया। अब 22 चौक 88 नहीं जाएगा, 22 × 3 = 66, ये हमारा हो गया 14। तो ये इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 343, तो पूरा पूरा आ गया 343 सही हमारा 14/22, इसको ऐसे लिख दें, इतना डिग्री। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, 343 तो पूरा पूरा है
प्लस 14/22 जो है ये डिग्री फ्रैक्शन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 14/22 जो फ्रैक्शन में है इसको मिनट में बदल लेंगे, और मिनट में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट, यानी कहीं पे अगर डिग्री है उसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14/22 × 60, और ये पूरा हमारा किस में बदल जाएगा, मिनट में, तो ये 343 डिग्री पूरा पूरा हो गया, और प्लस 14 × 60 ये 840/22 मिनट, और 840 में हम लोग 22 से 22 चौक 88, 3 बार जाएगा, 66 8 18 180, 7 8 बार करें हम लोग, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 × 16 = 1 17 176, 4, तो अगर रफली देखें हमारा तो क्या आ गया, 343 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया, और प्लस 38 मिनट, ये हमारा पूरा पूरा आंसर हो गया, 343 डिग्री 38 मिनट। अगर और भी थोड़ा देखें हम लोग तो ये 38 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये और भी आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्योंकि ये हमारा और भी बचा है, प्लस 4/22 यानी 2/11 मिनट, यानी 4/22 मिनट भी हमारा है, और इसको भी हम लोग बदल देते हैं, देख लीजिए कि ये हमारा हो गया बराबर 343 डिग्री 38 मिनट, और ये 4/22 फ्रैक्शन में जो सेकंड आया इसको हम लोग क्या बदलेंगे, 4/22 × 60, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड, तो जो फ्रैक्शन में जो डिग्री आता है उसको मिनट में बदलते हैं, और भाग देने के बाद मिनट वाला जो फ्रैक्शन में आता है उसको सेकंड में बदलते हैं, तो ये हमारा होगा 343 डिग्री 38 मिनट, और ये 240/22, 240/22, 22 × 22 20, ये 10 पॉइंट, ये लगभग 11 सेकंड आ गया, ये हमारा निकटतम मान हो गया। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग और समझ लीजिए, 6 रेडियन को जो है डिग्री माप में बदलना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पाई रेडियन हमारा क्या होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन होता तो 180/π डिग्री, तो 6 रेडियन है, 6 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो 180/π × 6 डिग्री, यानी 6 रेडियन हमारा क्या हो गया, 180/π × 6 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए तो 180/22/7 × 6 डिग्री, ये 7 ऊपर चला गया, 180/7 × 6/22 डिग्री, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आ गया 7560, इसको 22 से भाग दे दिए, तो ये हमारा 343 आया, इसके बाद जब 14 आ गया तो 14 हमारा क्या बन गया, बच गया, ये शेषफल बच गया, तो इसको हम लोग क्या लिख दिया, 343 डिग्री पूरा पूरा हो गया, और ये 14/22, 343 + 14/22 डिग्री, ऐसे हम लोग लिख दिए, 343 सही 14/22 डिग्री, ठीक है, इसको 343 के बाद अभी कट नहीं रहा, 14 शेषफल बच गया, तो 7560 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 343 सही 14/22 डिग्री, अब 343 सही 14/22 डिग्री का मतलब 343 तो पूरा पूरा है प्लस 14/22 डिग्री है, तो 14/22 जो डिग्री हमारा जो फ्रैक्शन में है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 सेकंड, तो 14/22 डिग्री को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, और ये 840/22 मिनट हो गया, अब 840 में हम लोगों ने 22 से भाग दिया तो ये कितना आया, 38 सही 4/22, तो ये पूरा पूरा 38 मिनट हो गया, और प्लस 4/22 मिनट, अब ये 4/22 मिनट जो हमारा फ्रैक्शन में आया है इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो इतना मिनट बराबर 4/22 × 60 सेकंड, और फिर ये 240/22 से हम लोग भाग दे दिए तो ये लगभग 11 आ गया, तो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड लगभग, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिध पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है,
क्वेश्चन हम लोग पहले समझते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, कौन से वृत्त की त्रिज्या जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परित पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर केंद्र पर हम लोग कितना कोण बनाए, 60 डिग्री, ये हम लोग 60 डिग्री कोण बनाए, तो ये परित पे कितना लंबाई काटता है, ये 37.4 सेंटीमीटर काटता है। तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं आर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या आर है और इस चाप की लंबाई जो एल भी हमको दिया है, और हमको एक पता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, ये फार्मूला हमको पता है। लेकिन ये कोण हमारा क्या होता है, हमेशा रेडियन में होता है, ये जब फार्मूला लगाते हैं आप तो हमेशा कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ से कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या यानी थीटा बराबर एल बाई आर, या एल बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं आर इंटू थीटा, या आर बराबर एल बाई थीटा, लेकिन हमारा थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, एक चीज हमको ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि चाप त्रिज्या कोण तीन चीज का है, एक चीज हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 60 डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री हमारा क्या होता है, ये पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 180 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हमारा 60 डिग्री जो होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 गुणे 60 रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा, 6 3 18 कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 रेडियन, और ये हम लोग को याद भी रहता है। यानी 60 डिग्री हमारा क्या हो गया, या 60 डिग्री कहें या पाई बाई 3 रेडियन। अब हम लोग ये फार्मूला अपना लगा देते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कोण थीटा बराबर चाप एल बाई आर, थीटा हमारा क्या है पाई बाई 3 है, और एल हमारा कितना है 37.4 सेंटीमीटर अपॉन त्रिज्या आर है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, आर निकालना है, तिरछा गुणा कर देंगे, तो आर इंटू पाई बराबर 3 × 37.4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 3 × 37.4 बटा पाई सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 दिया है, तो 3 × 37.4 बटा 22 और 7 हमारा क्या आएगा, ऊपर आएगा इतना सेंटीमीटर। अब लोग अब क्या करेंगे, इसको तीनों को जो है गुणा करके 37.4, 7 और 3 को 22 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन एक बार हम लोग और कर लेते हैं, क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परित पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। यानी 60 डिग्री कोण है और परित की लंबाई कितना है 37.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आर हमको निकालना है। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये फार्मूला हम लोगों के पास होता है, लेकिन इसमें कोण क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदल लेंगे, तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, तो 60 डिग्री पाई बाई 180 गुणे 60 यानी पाई बाई 3 रेडियन। अभी हम लोग ये फार्मूला कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या लगा देंगे, यानी थीटा बराबर एल बाई आर, यहाँ से हम लोग ये आर बराबर कहें एल बाई थीटा, ये फार्मूला भी हम लोग लगा देंगे, आर बराबर एल वाई थीटा, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ये फार्मूला जब लगाएंगे, थीटा किस में होना चाहिए आपका, रेडियन में, तो आर बराबर एल वाई थीटा, तो आर बराबर एल हमारा क्या है 37.4 बटा थीटा क्या है पाई बाई 3 3 ऊपर चला गया, तो ये हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। यानी जो ये हमारा घड़ी है,
इसमें मिनट की जो सुई है, ये हम लोग मान लेते हैं मिनट की सुई है, तो इसकी लंबाई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक किसकी बात करी जा रही है, 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो ये नोक जैसे जैसे समय बीतता है, ये क्या होता है, जैसे जैसे समय आपका बीतता जाता है, ये नोक ऐसे ऐसे इसी पे तो चलती जाती है। तो ये कह रहे हैं 40 मिनट के बाद, 40 मिनट कितना टाइम बीता, 40 मिनट। तो 40 मिनट जब टाइम बीतेगा, 40 मिनट, तो ये पूछा कि 40 मिनट जब ये कवर करेगा तो ये चाप की लंबाई क्या होगी। ये हमारा एल निकालना है, और कितना, कितने टाइम के बाद, 40 मिनट के बाद एल हमको निकालना है, और त्रिज्या हमारा कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। अब हमको एक चीज ये पता चल जाए कि 40 मिनट कवर करने में, ये जो है 40 मिनट कवर करने में, ये कोण कितना कवर करती है। बस हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी 40 मिनट में जो है मिनट की सुई कितना कोण कवर करती है। तो हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई अगर पूरा एक चक्कर लगा देती है, पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री कवर करती है, तो कितना मिनट वो बीत जाता है, 60 मिनट। यानी मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा साठ मिनट में कितना कोण कवर करता है, 360 डिग्री कोण। 60 मिनट में कितना चलता है आपका, 360 डिग्री, ठीक है। तो 40 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, एक एक नियम से 1 मिनट में कितना कोण कवर करेगी, 360 बटा 60 डिग्री कोण कवर करेगी, ऐसे लिख देते हैं। यानी 1 मिनट में जो हमारा मिनट की सुई, ये 6 डिग्री कोण कवर करेगी। क्योंकि 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री, या 360 डिग्री की जगह हम लोग 2 पाई कोण भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 2π/60। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगी, तो 40 मिनट में 40 से गुणा कर देंगे, 40 × 6 डिग्री कोण, तो ये 240 डिग्री कोण कवर करेगी। चालीस मिनट में हमारा ये कितना कवर करेगी, 240 डिग्री। अब 240 को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में बदल लेते हैं। तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, π/180 रेडियन। तो 240 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, π/180 × 240 रेडियन। 6 × 24, 6 × 3 = 18, क्या आ गया, 4π/3 रेडियन। यानी ये हमारा जो कोण होगा 40 मिनट में, जो कवर किया गया कोण क्या होगा, 4π/3 रेडियन। अब सिंपली हम लोगों को जो निकालना है, वो सिंपल सा हम लोगों का हो गया, निकल जाएगा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, और हमको चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या। इसको एल लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं, इसको थीटा। तो चाप एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R × θ, और एल ही हमको निकालना है। आर हमारा क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा कितना है, 4π/3। तो ये 4π/3, 15 × 60, ये हो गया 6π/3 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू भी 3.14 जो है दिया है, आप रख सकते हैं 3.14/3 सेंटीमीटर। 3 × 2 = 6 हो गया, तो 2 × 8 6.28 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन।
इसमें आ गया 6.28 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था हमारा कि घड़ी में मिनट की सुई जो है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये पूछा है स्किन वॉक 40 मिनट में कितनी दूर, ये परिधि पे कितनी दूरी कवर करेगी। तो 40 मिनट में हमको ये पता चल जाए कि ये कितना कोण जो है बनाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है पूरा एक राउंड कर जाती है, तो 60 मिनट यानी 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360/60 कोण कवर करेगी यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 40 मिनट में 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को हम लोग क्या करें, रेडियन में बदल रहे हैं, तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, तो 240 बराबर पाई बाई 180 गुणे 240, तो 4π/3 रेडियन। अब हमारा कोण पता चल गया, त्रिज्या पता है, हमको चाप निकालना है। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप एल बराबर त्रिज्या गुणे कोण, त्रिज्या भी पता है 1.5 सेंटीमीटर गुणे 4π/3, और ये हमारा हो गया 15 × 60 6π/3, ये 2π हो गया सीधा सीधा यानी 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें हम लोग देख लेते हैं ये दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वो अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये कह रहे हैं दो वृत्त है हमारे पास, क्या है, दो वृत्त है अलग अलग, दो वृत्त है, एक ये हो गया हमारा, एक और बना लेते हैं। दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है यानी जो है इसमें बराबर चाप की लंबाई ली गई है, जितना चाप की लंबाई इसमें है उतने चाप की लंबाई इसमें है, चापों की लंबाई क्या है समान है। यानी अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पे भी क्या है L है, तो यहाँ की त्रिज्या R1 हम लोग मान लेते हैं, यहाँ की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। अपने केंद्र पर 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाती है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं ये कितना बनाती है 65 डिग्री और ये बनाती है 110 डिग्री का कोण। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये हम लोगों का। त्रिज्या बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या यहाँ लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या यहाँ लगाएंगे, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। लेकिन 65 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियन में बदल लेंगे। तो 65 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन। यानी अगर कहीं पे आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 65 × π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 रेडियन। 65 डिग्री बराबर ही हो जाएगा अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें, 15 × 5 = 30, तो 13π/36 रेडियन। यानी हमारा जो 65 डिग्री था इसको रेडियन में बदला तो ये हो गया, और 110 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो 110 × रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही याद रखिए। तो ये हो जाएगा 11π/18 रेडियन। अब यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, या इसको बटा एक लिख लें तो थीटा गुणे R1 बराबर L, या हम लोग त्रिज्या बराबर लिखें तो चाप बटा कोण। तो R1 बराबर हमारा क्या हो गया, चाप तो L है और कोण हमारा कितना है 13π/36, तो ये 36 ऊपर हो गया, 36L/13π। तो ये हमारा जो R1 हो गया 36L/13π, ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग फिर लगाते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या,
तो यहाँ पे एल तो एल ही है और त्रिज्या ये आर टू है, और यहाँ पे जो है इसको थीटा वन हम लोग लेते हैं, इसको थीटा टू, तो आर टू बराबर क्या हो जाएगा, आर टू ये बटा एक हम लोगों ने कर दिया, फिर तिरछा गुणा करते हैं, तो आर टू गुणे थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल, तो आर टू बराबर एल बाई थीटा टू, तो आर टू बराबर एल हमारा क्या है एल है, और थीटा टू हमारा क्या है 11 पाई बटा 18, तो 11 पाई बटा 18 ये हमारा हो जाएगा 18 L/11 पाई, यानी आर टू हमारा क्या हो गया 18 L/11 पाई, समीकरण नंबर 2। अब हमको आर वन और आर टू का अनुपात चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा ये आर वन बटा आर टू हो जाएगा, आर वन कितना है हमारा 36 L/13 पाई, और ये हमारा क्या है 18 L/11 पाई, तो हो जाएगा 36 L/13 पाई, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा और नीचे वाला क्या हो जाता है पलट के गुणा हो जाता है, तो पलट के गुणा मतलब 11 पाई बटा 18 L, इसको सॉल्व करेंगे पाई पाई खत्म हो गया एल, एल खत्म हो गया, 18 दुना 36, 11 दुना 22 बटा 13, यानी आर वन अपॉन आर टू हमारा क्या आ गया 22 बटा 13। तो इसको हम लोग जो है 1 मिनट में फिर से समझ लेते हैं, क्या कह रहा था, दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, दो वृत्त हैं आपके उनमें चाप की लंबाई क्या है समान है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल है, और वो दोनों वृत्त पे अलग अलग कोण अंतरित करते हैं क्योंकि त्रिज्या अलग है, तो एक पे 65 डिग्री और एक पे 110 डिग्री, तो यहाँ पे त्रिज्या हम लोग मान लिया आर वन है, यहाँ पे त्रिज्या आर टू है, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या हम लोग लगाएंगे, लेकिन जो कोण होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन, यानी डिग्री को कहीं पे भी रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 65 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 65 × π/180 रेडियन, और जो है 5 से डिवाइड करें 13 और ये हो गया 36, तो 13π/36, यानी 65 डिग्री हमारा क्या हो गया 13π/36 रेडियन। अब यहाँ से कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसको थीटा बटा वन लिख दिए, तो आर वन गुणे थीटा बराबर एल, यानी आर वन बराबर एल बाई थीटा, इसको थीटा हम लोग यहाँ पे थीटा वन मान लेते हैं, तो आर वन यानी त्रिज्या वन बराबर एल, तो एल ही रहेगा और थीटा वन हमारा क्या है 13π/36, तो 36 ऊपर चला गया, आर वन बराबर एल बाई थीटा वन, आर वन बराबर एल बाई थीटा वन है 13π/36, तो ये हो गया 36 ऊपर जाके 36 L/13π, तो आर वन बराबर हमारा क्या हो गया 36 L/13π, ये समीकरण नंबर 1। अनुपात हमको चाहिए, फिर यही काम हम लोग करते हैं 110 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 खत्म, 11π/18 रेडियन। अब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यहाँ पे जो कोण चाप और त्रिज्या होगा, तो चाप यहाँ भी एल है और कोण हम लोग थीटा टू मान लेते हैं, और त्रिज्या हम लोगों ने क्या माना आर टू है, तो यहाँ से थीटा टू बटा वन लिख दिए, तो आर टू गुणे थीटा टू बराबर एल, तो आर टू बराबर एल बाई थीटा टू, तो आर टू बराबर एल बाई थीटा टू हमारा क्या है 11π/18, 11π तो 18 ऊपर चला गया, 18 L/11π, तो आर टू बराबर 18 L/11π, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग अनुपात चाहिए आर वन बाई आर टू, तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो ये आर वन है और ये आर टू है, तो आर वन बटा आर टू बराबर 36 L/13π, और ये हमारा क्या 18 L/11π, तो ये हो गया 36 L/13π/18 L/11π, तो ये हमारा जो है ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा और जो नीचे वाला होता है ये पलट के गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 36 L/13π × 11π/18 L, पाई पाई खत्म, एल एल खत्म, 18 दुना 36, 11 दुना 22 बटा 13, यानी आर वन बाई आर टू बराबर क्या हो गया आपका 22 बटा 13, यानी दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात हमारा आ गया 22 बटा 13।